हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेनिश ऑमलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इसको हमने आपके लिए किस तरह से ईजी बनाया है देख लेते हैं एक बार हम इसकी क्विक सी रेसिपी। यहाँ पर हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम लेंगे ये जो 2 आलू हैं, इनको हमने कट कर लिया इस तरह से क्यूब्स में। आलू हमारे 2 बड़े साइज़ के थे, तो अब हम आलूओं को डाल देंगे ऑयल में। और हम ले लेंगे इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। कुछ हरी मिर्च ली है हमने 4 से 5, और हरी मिर्चों को भी डाल के हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हरी मिर्च, आलू और प्याजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ तेल में अच्छे से। इनको हम चला चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसके ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। वो नमक भी हम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और इन आलूओं को हम गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़े से गल जाएं। तो जब तक हम देख लेते हैं अंडे। अंडों को हम फोड़ लेंगे एक बाउल में इस तरह से। अंडे यहाँ पे हमने 5 लिए हैं, और इन अंडों में हम अब नमक डाल देंगे। और फिर हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, और इसमें डाल देंगे हम पुदीना और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो ये हमारे अंडे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारे नमक काली मिर्च और पुदीने हरे धनिए के साथ। इसे अच्छे से फेंट लेना है, और जब तक हमारे थोड़ी देर बाद हमने आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो ये सिम गैस पे रखे हुए से 5 मिनट हो चुके हैं, और आलू बहुत जल्दी भी गल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू गल चुके हैं। तो अब हम इन गले हुए आलूओं को एक बाउल में निकाल देंगे, और ठंडा होने के बाद इसमें हम जो हमने अंडे अच्छे से फेंट के रखे थे, वो हम आलूओं के पूरे मुरक्कब में डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारे आलू और अंडे का बेटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो उसी फ्राई पैन में हम पूरा हमारा आधा जो बेटर है वो हम इसमें डाल देंगे वापस से, और डाल के हम अच्छे से फैला लेंगे। आलू और अंडे का लिक्विड बराबर से कर देंगे, ताकि सब तरफ से बराबर फैल जाए। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ स्लाइस। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर चीज़ डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और वापस से हम इसके ऊपर बचा हुआ बेटर डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे चीज़ को, ताकि ढक जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस इस तरह से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे, और इसे ढक देंगे फिर। तो ये हमारा पूरा मुरक्कब डल चुका है फ्राई पैन में। अब इसे हमें बिल्कुल सिम गैस पे ही बनाना है, और इस पर ढक्कन ढक के कवर कर देंगे, ताकि ये पक जाए। और 5 मिनट बाद हम देखेंगे इसे। तो ये देखिए, आप अंडा हमारा पका हुआ आपको दिख रहा है ना। तो बस अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, और इस तरह से हम अपने फ्राई पैन को पलट लेंगे। और पलटने के बाद अब जो नीचे वाला हिस्सा है वो फ्राई पैन में रख देंगे, ताकि उधर से भी वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड से ऑमलेट बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो मंदी गैस पे हम इसे 5 मिनट के लिए नेक्स्ट साइड से भी सेक लेंगे, और फ्राई पैन में से सेकने के बाद हम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्पिनिच ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे हम कट करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। और नाश्ते में खाएं आप, ये लंच में खाएं, दोनों में ही बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला नाश्ता आप अपने किचन में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय।